Assalamualaikum students, I am Miss Hira. This is your computer science class. Last video में हमने अपना chapter number 1 start किया था network and communication. आज उसी chapter को continue करते हैं. उसका topic study के जो करेंगे इस lecture में वो हमारे पास है types of computer network. Types of computer network पे जाने से पहले हम लोग review कर लेते हैं कि हमारे पास network क्या था. अपने पिछले lecture में हम लोगों ने पढ़ा कि when two or more computers are linked together, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में लिंक हों, जुड़े रहें और वो शेयर करें अपने सोर्सेज को, अपनी फाइल्स को एक्सचेंज करें, एक जगह से दूसरी जगह भेजें, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा. नेटवर्क की जो बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी की थी वो इंटरनेट थी, क्योंकि इंटरनेट हम लोगों ने कहा कि मिलियन ऑफ पीपल्स को एट अ टाइम एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़े रखता है, ठीक है, और हमारे पास क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे अगर हम लोग बात करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. हमारे पास तीन टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, जो कि हमारे पास किसकी बेसिस पे हैं? अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है. तो जो तीन टाइप्स हैं, सबसे पहली टाइप हमारे पास है लेन, दूसरी टाइप है हमारे पास मेन और तीसरी टाइप है हमारे पास वेन. लेन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मेन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वेन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. अपनी सबसे पहली टाइप को देखते हैं जो कि है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया हमारे पास आम, ठीक है, हमारे पास ये जो नेटवर्किंग है एक आम सी जगह पे, मतलब किसी स्कूल बिल्डिंग के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर या होम सोसाइटी के अंदर यूज़ करने वाली है नेटवर्क है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क की, और इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्लाइंट और सर्वर को भी हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं. क्लाइंट और सर्वर हम लोगों ने स्टडी किया था कि सर्वर हमारे पास सेंट्रलाइज कंप्यूटर है और क्लाइंट हमारे पास वो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि सर्वर के साथ अटैच होते हैं और सर्वर क्या करते हैं कि प्रोवाइड करते हैं उनको सर्विसेज, ठीक है. अब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर देखते हैं कि एरिया, पहले हमने कहा कि हमारे पास लोकल एरिया पे यूज़ होता है, स्मॉल एरिया पे यूज़ होता है, सच एज होम्स, जैसे होम्स वगैरह हो गए, स्कूल्स हो गए और स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह होगी एट्सेट्रा. अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, इसकी नेटवर्किंग की, तो फास्ट नेटवर्किंग होती है ड्यू टू स्मॉल एरिया, क्योंकि एरिया स्मॉल होने की वजह से इसकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा फास्ट है, चीज़ें ईजीली थ्रू हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है. अब हम लोग नेटवर्किंग की जहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि हमारे पास कोई ट्रांसमिशन मीडिया भी तो होना चाहिए जो इसकी खबर रसाई करे, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको पहुँचाए. तो फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया आर यूज, तो हमने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो यूज़ होते हैं. तीन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला था हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा था हमारे पास कॉक्सियल केबल और तीसरा कौन सा है हमारे पास? फाइबर ऑप्टिक्स केबल. लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ किया जाता है. गाइडेड हम लोगों ने कहा था कि कौन से ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, वो जो वायर वायर या केबल सिस्टम होते हैं जिनके अंदर हमारे पास वायर्स यूज होती हैं, जिनके अंदर मैसेजेस जो हैं वो सेंड होते हैं थ्रू, ट्रांसमिट होते हैं या सेंड होते हैं थ्रू वायर्स, ठीक है. यूजेस देखें अगर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, तो लोकल एरिया नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है. जैसे ये हमारे पास शेयर करती हैं फाइल्स वगैरह को, गेम्स को, प्रिंटर वगैरह, ये हमारे पास किसके अंदर यूज़ होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है. दूसरा यूज़ अगर हम लोग इसको देखें, इसका क्या क्या यूजेज हैं? यूज़र आल्सो यूज़ लैन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई सेंडिंग ई मेल और चैटिंग. ये जो हम लोग अपनी ई मेल सेंड करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से जो चैटिंग करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, ये सारा क्या है हमारे पास? लोकल एरिया नेटवर्क के यूजेस है, ठीक है. इसके जो डिस्टेंस है, हमने पहले कहा कि स्मॉल एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है और ड्यू टू लिमिटेड डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिट वेरी फास्ट, और शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से, गैप जो है, फासला कम होने की वजह से, कम स्पेस होने की वजह से, इसमें जो है वो ट्रांसमिशन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है? वेरी फास्ट हो जाता है. यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क बनता कैसे है, ठीक है. ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, लेट्स सपोज कि ये एक कॉलोनी है या कोई भी स्कूल बिल्डिंग है या कोई भी ऑफिस है, इसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच कंप्यूटर हैं, तीन प्रिंटर क्या हैं? कनेक्ट हैं. जब ये पाँच कंप्यूटर और प्रिंटर आपस में कनेक्शन करते हैं, अपने सोर्सेज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, फाइल्स वगैरह को एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये हमारे पास कौन सा नेटवर्क बनाते हैं? लोकल
लोकल एरिया नेटवर्क. तो ये था हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास सिंपल नेटवर्क है, क्लाइंट और सर्वर यूज़ होते हैं, एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, नेटवर्किंग वेरी फास्ट होती है, ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होते हैं. यूजेज इसके क्या हैं कि फाइल्स वगैरह को शेयर्स करते हैं, और दूसरा यूज़ हमने कहा कि ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ईमेल के लिए, चैटिंग वगैरह के लिए. और ये क्या बनाते हैं हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स मिल के आपस में हमारे पास नेटवर्किंग करके एक नेटवर्क बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क. इसी की दूसरी एग्जांपल पे हम लोग जाएं तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. ठीक है, मेन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो हमारे पास सिटी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि हमारे पास लार्ज स्पेस के लिए. कवर लार्ज एरियाज देन लेन, लेन के मुकाबले में ये हमारे पास लार्ज एरिया को कवर करता है. ठीक है, कवर अ सिटी और लार्ज कैंपस. हमने पहले कहा कि सिटी के एरिया, एक शहरों के उस पर हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है. मैनी लेन्स फॉर्म मेन्स, जब बहुत सारे लेन्स मिलेंगे, दो तीन लेन्स मतलब आपस में मिलेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाएंगे. ठीक है, मैनी मेन्स मे बी लार्जर एज द साइज ऑफ सिटी. हमने कहा कि मैनी मेन्स मे बी लार्ज एज द साइज ऑफ सिटी, कि हमारे पास जो मेन है वो लार्ज होगी एज द साइज ऑफ सिटी, और इट मे बी स्मॉल एज अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि लेट्स सपोज कि हमारे स्कूल हमारे यहाँ पे कोई बैंकिंग का सिस्टम हम लोग देखें, तो किसी भी एक बैंक में अगर हम लोगों का कोई भी अकाउंट है, जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं, अगर उसी बैंक के बैंक के अलावा हम लोग से किसी बैंक में जाते हैं, उसी की ब्रांच में, दूसरी ब्रांच में, तो हम वहाँ से भी जाके अपने अकाउंट से जो है वो पैसे निकलवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो जो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं एक बैंक वाले दूसरे बैंक के साथ, वो जो है वो हमारे पास क्या बना रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना रहे हैं. इसी तरह एक ही स्कूल के जब मुख्तलिफ कैंपस होते हैं, तो जब आप लोग किसी एक कैंपस में जाएँ, किसी दूसरे स्कूल दूसरे कैंपस के बारे में अगर कुछ पूछेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन भी उनके पास होगी, क्योंकि वहाँ पर जो नेटवर्किंग हो रही होती है वो कौन सी होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग हो रही होती है. ठीक है, नेटवर्किंग हमारे पास ड्यू टू लार्ज एरिया नेटवर्किंग, यहाँ पे लार्ज एरिया नेटवर्किंग, क्योंकि एरिया लार्ज है, सिटी की बेस पे है, शहरों की बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो एरिया लार्ज है, तो फिर नेटवर्किंग भी उसकी क्या होगी, स्लो होगी. बट लेकिन इसको क्या है कि फास्ट नेटवर्किंग चाहिए होती है. ठीक है, फास्ट नेटवर्किंग चाहिए होती है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे जो है हम लोग एडिशनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, मतलब के जदीद आलात यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कि हमारे जो है वो मैसेजेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो हैं वो ईजिली पहुँच सकें. ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि नेटवर्किंग में हमें ट्रांसमिशन मीडिया बीज चाहिए होता है, जो ट्रांसमिशन मीडिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रहे फाइबर ऑप्टिक्स केबल को हम लोग प्रेफर करते हैं फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन. ठीक है, इसको हम लोग क्यों फाइबर ऑप्टिक्स केबल को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये हमारे पास इसकी हाई स्पीड होती है. फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम कनेक्ट डिफरेंट ब्रांचेस इन अ सिटी, अगर एक बैंक है हमारे पास, तो वो डिफरेंट ब्रांचेस को क्या करते हैं अपनी सिटी के अंदर एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है. ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है ये हमारे पास फास्ट नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ये हमारे पास कवर्ड होती है इंसुलेटिंग मटेरियल से, और ये जो है इसके अंदर ब्रेक डाउन नहीं होता, इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, इसी वजह से जो है वो डेटा हमारे पास लॉस भी नहीं होगा. ठीक है, अब अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझें कि मेन क्या है, तो देखिए हमने कहा कि एक बैंक दूसरा उसका दूसरा पार्ट, या एक स्कूल उसका दूसरा कैंपस उसका तीसरा, ये आपस में क्या है, इंटरकोनेक्ट हैं. जब ये इंटरकोनेक्ट हैं, इंटरकोनेक्ट होने के बाद ये जो एरिया बनाते हैं वो कौन से हमारे पास, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना देंगे. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमने कहा कि लार्ज होता है एज अ साइज ऑफ सिटी के बेस पर, हम लोग कहते हैं बहुत सारे लेन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं. नेटवर्किंग इसकी स्लो होती है, लेकिन इसमें हमें फास्ट नेटवर्किंग रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है, तो एडिशनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जिसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया को प्रेफर करते हैं, वो हमारे पास कौन सा है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है. ये हमारे पास एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव होने की वजह से इसकी स्पीड हमारे पास वेरी फास्ट होती है, जिसकी वजह से हमारे मैसेजेस जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है, डेटा जो है, वो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है. उसके बाद थर्ड वन हमारे पास आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड से मतलब हमारे पास वसी तरीन तमाम दुनिया के अंदर, ठीक है, ये जो नेटवर्किंग यूज़ हो रही है दुनिया के अंदर होगी. ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रही है. एरिया कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री आर द
अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर यूज होने वाला नेटवर्किंग कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड लेन्स और मेन्स। यहाँ पे क्या होगा, लेन्स जब मिले थे तो उन्होंने मेन बनाया था, अब यहाँ पे डिफरेंट लेन्स और मेन्स जो हैं वो मिल के हमारे पास क्या बनाएंगे, वेन्स बनाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बनाएंगे। लार्ज बिजनेस मैन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर द यूजर ऑफ मेन्स वेन्स, ठीक है। अब देखें, लार्ज बिजनेस कोई ऐसा इंसान जिसके बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं, यहाँ पे भी हैं, दूसरी कंट्री में भी हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किस एरिया को यूज़ करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि उसके बिजनेस का जो काम हो रहा है, जो भी प्रोसेस है, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक शहर से दूसरी शहर में, एक जगह से दूसरी जगह में। और इसी तरह हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कौन सी नेटवर्किंग को यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्किंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन रखनी होती है हर एक शहर की अपने पास, कि वहाँ पर कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, कौन सा कैसे काम, ये सारा कुछ प्रोसेस किसके अंदर आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है। नेटवर्किंग की अगर इसकी बात करें तो वेरी फास्ट नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट नेटवर्किंग इसकी होती है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ हो रहे हैं वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस या टेलीफोन लाइंस को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वेन कैन आल्सो कनेक्ट थ्रू सैटेलाइट, इसमें हम लोग सैटेलाइट की बेस पे भी काम करते हैं, सैटेलाइट्स में हमारे पास जो है कम्युनिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एयर और स्पेस। यहाँ पे हमारे पास अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ किया जाता है, रेडियो वेव्स को, सिग्नल्स को, ये चीज़ें यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वेन इज़ द इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क की अगर वसी तरीन एग्जांपल देखें तो वो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट जो है एट अ टाइम लाखों करोड़ों लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने सोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कहा कि ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम लोगों ने स्टडी किया, सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि हमारे पास बिल्डिंग्स के ऊपर जो है ये मुश्तमिल होता है, इसमें ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ यूज़ थे इसके जो हम लोगों ने स्टडी किए। उसके बाद हम लोग बात की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, कि ये हमारे पास एज अ साइज ऑफ सिटी होता है, ठीक है, बहुत सारे जब लेन मिलते हैं तो आपस में मेन बनाते हैं, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ट्रांसमिशन मीडिया जो है इसमें हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स केबल को यूज़ करते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्किंग के अंदर हमने कहा बहुत ज़्यादा फास्ट नेटवर्किंग होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होने वाला जो नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, और इंटरनेट इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।